Hello friends, welcome to Angel Academy, a helping hand in English. Friends, इससे पहले first slide के सारे chapters के objective question discuss हो चुके हैं, grammar हो या other section हो, सारी चीजें discuss हो चुकी हैं और अब तीन poem भी complete हो चुकी हैं, जिसमें Dust of Snow, Fire and Ice और A Tiger in the Zoo complete हो चुका है। आज जो हम पोयम डिस्कस करने वाले हैं वो पोयम है अमांडा डियर, ठीक है। अमांडा पोयम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो यूपी स्टैंडर्ड 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के सेक्शन ए का पार्ट होगा, जो आप जानते हैं इस साल नया पैटर्न बना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें और उसको सही आंसर को ट्रिक करके ओएमआर शीट में उसको फिल करना होगा, उसके उसको सर्कल को कलर करना होगा ब्लू पेन या ब्लैक पेन से। तो वही चीज आज हम डिस्कस करेंगे अमांडा पोयम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना कोई टाइम गवाए हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। बट उससे पहले, जैसे कि मेरी रिक्वेस्ट होती है एज यूजुअल आज भी है, कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने कई बार मेरे चैनल पे वीडियो देखा है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब तो हम्बल रिक्वेस्टेड ही है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका एडवांटेज और यूज ले कर सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं दबाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो कब अपलोड किया है। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं पोयम अमांडा। तो आज का जो पहला स्टेंजा है, दैट इज, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स Amanda, don't hunch your shoulders, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching. Stop that slouching and sit up straight. And sit up straight. देखिए, आप देख सकते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इससे आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि कोई तो है जो अमांडा को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो अमांडा को ऑर्डर दे रहा है कि आपको ऐसे करना है, ये करना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो और ऐसे रहो। और ये इंस्ट्रक्शन कोई और नहीं, अमांडा की अपनी मदर दे रही है। क्या कह रही है? डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। मतलब यहां पे बात हो रही है कि अपने नेल्स को मत काटो, अपने शोल्डर्स को मत नीचे करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, मतलब उस तरीके से बेंड होकर के, झुक करके बैठना बंद करो और सीधे बैठना शुरू करो, मतलब सीधे बैठो। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर दे रही है अमांडा को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अमांडा की इन हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान है। क्वेश्चन देखिए आज का। अमांडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक्स, अमांडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट pointed out for her mistakes by her,
मिस्टेक्स बाय हर्ट। ठीक है, ऑप्शन देखिए, फादर, टीचर, मदर और ग्रैंडफादर। चलिए इसका आंसर तो मैंने आपको पहले बता दिया है, मुझे नहीं पता था कि यही क्वेश्चन आएगा, फादर, मदर, टीचर और ग्रैंडफादर। तो इसका आंसर तो मैं आपको पहले ही बता दिया था, सारे इंस्ट्रक्शन उनको कोई और नहीं, उनकी अपनी माँ दे रही है, तो इसका सिंपल सा आंसर है मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज एट दिस मोमेंट फॉर व्हाट मिस्टेक इज अमांडा पॉइंटेड आउट। एट दिस मोमेंट फॉर व्हाट मिस्टेक इज अमांडा पॉइंटेड आउट। ओके, ऑप्शन ए फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क, ऑप्शन बी फॉर वॉचिंग टीवी, फॉर वॉचिंग टीवी, फॉर मेकिंग नॉइज, फॉर मेकिंग नॉइज, ऑप्शन डी फॉर बाइटिंग नेल्स। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दैट एट दिस मोमेंट फॉर व्हाट मिस्टेक इज अमांडा पॉइंटेड आउट, तो यहां पे साफ देख रहे हैं डोंट बाइट योर नेल्स, और यहां पर आपको आंसर मिल रहा है फॉर बाइटिंग नेल्स। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉर नॉट डूइंग हर होमवर्क ऐसा कुछ डिस्कशन नहीं हुआ, वॉचिंग टीवी से कोई मतलब नहीं है, आवाज शोर मचाने से कोई मतलब नहीं है, मतलब सीधा सीधा कहा गया डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, अमांडा हैज द हैबिट ऑफ, ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा आप लोगों के लिए, अमांडा हैज द हैबिट ऑफ, अमांडा को आदत थी किस चीज की, देखिए, बेंडिंग हर शोल्डर्स, bending her shoulders, option b sitting lazily, option third that is both, both a एंड बी एंड ऑप्शन डी होगा नन। तो देखिए बेंडिंग हर शोल्डर्स ये तो था, ठीक है, डोंट हंच योर शोल्डर्स पहले तो ये तो था, दूसरा सिटिंग लेजिली मतलब एकदम आराम से ऐसे कंधे झुकाए हुए बैठे हुए, तो यहां पे साफ कहा जा रहा है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, मतलब कि एकदम लेजी आलसी होकर के मत बैठो यार, सीधे बैठो, अच्छा ऐसे बैठते हैं ऐसे, तो ये भी हैबिट है, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और डी है नन, तो ये दोनों ही हैबिट उसके अंदर थी डी है, तो इसका आंसर जो सही होगा दैट इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड व्हाट आर बोथ, दैट इज बेंडिंग अ शोल्डर्स एंड सिटिंग लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमांडाज मदर वॉन्ट्स हर टू सिट अप, Amanda's mother wants her to sit up. बहुत tough question नहीं है, यहां पर देख सकते हैं option that
लेजिली, स्लाउचिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेट एंड ऑप्शन डी आइडली। तो अमांडा की जो मदर थी वो चाहती थी कैसे बैठे अमांडा, लेजिली बैठे, स्लाउचिंग बैठे, स्ट्रेट बैठे या आइडली। तो ऑप्शन सी यहां पे सही है, स्ट्रेट। सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अमांडा इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट फॉर हर मिस्टेक्स बाय हर मदर। एट दिस मोमेंट फॉर व्हाट मिस्टेक इज अमांडा पॉइंटेड आउट फॉर बाइटिंग नेल्स। अमांडा हैज द हैबिट ऑफ बेंडिंग हर शोल्डर्स एंड सिटिंग लेजिली बोथ, दैट इज ऑप्शन सी। एंड अमांडाज मदर वॉन्ट्स हर टू सिट अप स्ट्रेट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला स्टैंजा डिस्कस करते हैं, जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट इज देयर इज अ लैंग्वेज, एमराल्ड सी ओके। नेक्स्ट, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ओके। ओके, ध्यान दीजिए, देयर इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स काम, तो शांत बिल्कुल। तो कह रही है कि एक बहुत ही शांत एमराल्ड सी होता, समुद्र होता, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहां पर मैं अकेले ही वहां पर रहती, कोई और नहीं रहता, कोई और वहां पे निवासी ना होता। और मरमेड एक जलपरी की तरह, ठीक है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली मूव करती एकदम ब्लिसफुली, पूरा आरामदायक आनंदित होते हुए। तो अब यहां पे ध्यान दीजिए क्या कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। पहली बात तो उस बच्ची ने, अमांडा ने अपने आप को इमेजिन कर लिया है कि मैं बिल्कुल एक ऐसी दुनिया में रहूंगी जहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, क्योंकि चैप्टर के स्टार्टिंग, सॉरी पोयम के स्टार्टिंग के स्टेंजा में ही आप ये देख रहे हैं कि उस बच्ची को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, और डिस्टर्ब कोई और नहीं, उसकी मदर कर रही है, और बार बार इंस्ट्रक्शन, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। इरिटेट हो गई बेचारी, और उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया, काश मैं ऐसी जगह रहती जहां पर मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, अकेले ही रहती मैं वहां, कोई और भी, मतलब उस प्लेस पे, उस दुनिया में कोई और रहता भी नहीं। क्वेश्चंस देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ, अमांडा
imagines herself to be in a ऑप्शन देखिए कैसल डीप सी बंगलो कैसल डीप सी ऑप्शन सी बंगलो All of these. आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसल मतलब होता है महल, तो महल में वो बिल्कुल भी नहीं अपने आप को इमेजिन कर रही थी। डीप सी है, एक बार रखते हैं साइड में देखते। बंगलो कोई मतलब नहीं है और नन ऑफ दीज। तो यहां पर ऑप्शन बी जो है दैट इज डीप सी, वो अपने आप को जलपरी इमेजिन करते हुए डीप सी में धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हुए, मतलब सोची थी कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, काश ऐसा होता, आराम से चलती और कोई वहां पर नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक अ मरमेड अमांडा वॉन्ट्स टू लिव, लाइक अ मरमेड अमांडा वॉन्ट्स टू लिव। देखिए ऑप्शन ए अमंग फ्रेंड्स, अमंग रिलेटिव्स, अलोन और नन ऑफ दिस। अमंग फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अमंग रिलेटिव्स ऑप्शन सी अलोन, और ऑप्शन डी None. तो देखिए वो तो मैंने आपको बार बार बताया कि वहां पर वो किसी और को भी इमेजिन नहीं कर रही है। वो कह रही कि वहां पर बस उस दुनिया में, उस जलपरी बनकर के उस समुद्र में सिर्फ मैं रहूं, कोई और नहीं। तो यहां पर अमंग फ्रेंड्स अमंग रिलेटिव्स हटा दीजिए, यहां पे ऑप्शन सी सही होगा अलोन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अमांडा वॉन्ट्स टू बी कैरिड अवे बाय, अमांडा वॉन्ट्स टू बी कैरिड अवे बाय। ऑप्शन देखिए, द इलेक्ट्रिक करेंट, द इलेक्ट्रिक करेंट ऑप्शन बी, स्टॉर्म ऑप्शन सी, द करेंट ऑफ वाटर, द करेंट ऑफ वाटर ऑप्शन डी, हर मदर। देखिए अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है कि अमांडा चाहती है कि वो अपने आप, मतलब वो उसको कोई बहा कर ले जाए, कौन, क्या इलेक्ट्रिक करंट, कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट बहाएगा तो सीधा बह जाएंगे और भगवान के यहां पे जाके दस्तक देंगे उनके दरवाजे पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉर्म कुछ भी हो सकता है, स्टॉर्म तो स्टॉर्म होता है, तो ये दोनों ही हटा दीजिए, उस बच्ची के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। द करंट ऑफ वाटर और बाय हर मदर, जिसने पोयम पढ़ा होगा वो बता देगा, जो नहीं पढ़ा होगा कहीं ऐसा ना हो बाय हर मदर मार दे, क्योंकि मदर से तो उसे प्रॉब्लम थी ही। तो यहां पे आंसर जो सही होगा द करंट ऑफ वाटर, मतलब कि पानी के बहाव के साथ चाहती थी कि वो बहती हुई चली जाए धीरे 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 आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमांडा वॉन्ट्स टू बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ, अमांडा वॉन्ट्स टू बी
द ओनली रेजिडेंट, द ओनली रेजिडेंट ऑफ अ, ऑप्शन देखिए, ग्रीन सी, ग्रीन गार्डन, ग्रीन सी, ग्रीन गार्डन, ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस। तो देखिए अमांडा चाहती थी कि वो अकेली रेजिडेंट रहे, कहां की, ग्रीन सी की, एक बार रोकते हैं इसे साइड में रखते हैं, ग्रीन गार्डन ये भी हो सकता है, ग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बच्ची है, जानवर तो है नहीं, जानवरों के लिए ग्रीन फॉरेस्ट, हाँ एक था, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग जंगल बुक देखा करते थे, ठीक है, तो वो मोगली भी नहीं थी, वो मोगली बिल्कुल भी नहीं थी, उसे जंगल में बिल्कुल भी नहीं जाना था, ठीक है, तो ग्रीन फॉरेस्ट भी हटा दीजिए, ग्रीन हाउस का कोई मतलब ही नहीं है। अब बात बचती है यहाँ पे ग्रीन सी या ग्रीन गार्डन, ठीक, तो ग्रीन गार्डन नहीं डियर, क्योंकि ग्रीन सी इसलिए क्योंकि वो कह रही थी एमराल्ड सी का जिक्र हुआ है और प्लस वो मरमेड बनना चाहती है, तो जाहिर सी बात है वो ग्रीन गार्डन में तो जलपरी घूमेगी नहीं, जलपरी कहां रहेगी, ग्रीन सी में, तो ये इसका सही आंसर होगा। सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी इन अ डीप सी लाइक अ मरमेड, अमांडा वॉन्ट्स टू लिव अलोन, अमांडा वॉन्ट्स टू बी कैरिड अवे बाय द करंट ऑफ वॉटर एंड अमांडा वॉन्ट्स टू बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ अ ग्रीन सी। इसमें दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि मैं अक्सर आपसे कहता हूं पोयम का नाम पूरे पंक्चुएट करके, कहां कैपिटल, कहां स्मॉल, कहां पे कौन सा लेटर यूज होगा, कौन सा अल्फाबेट कहां पे यूज होगा, कैपिटल होगा, स्मॉल होगा, उस तरीके से उसको लर्न करिए, ऑथर का नाम याद करिए बिल्कुल उसी तरीके से, एग्जाम में जरूर आएगा, एक से दो नंबर आपको देकर जरूर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। प्री बोर्ड हमारे यहां भी हुआ और उसमें थे क्वेश्चन, बिल्कुल थे, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्री बोर्ड क्वेश्चन जो प्री बोर्ड पेपर है उसको मैं डिस्कस भी करूंगा, थोड़ा सा अलग से टाइम लेकर के उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो ये कंप्लीट हो रहा है और आप देख सकते हैं टाइम, तो उस हिसाब से आपको खुद लगेगा कि मैं नहीं चाहता कि आपका मतलब अननेसेसरी टाइम किल हो, शॉर्ट वीडियो बने, कम टाइम में क्वालिटेटिव वीडियो, क्वालिटेटिव कंटेंट आपको मिले, वीडियो क्वालिटेटिव हो, इन्फॉर्मेटिव हो, ताकि आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से आपके लिए वो यूजफुल हो। पढ़िए डियर, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, जस्ट एंड गिव योर बेस्ट, ओके, मिलते हैं बहुत ही जल्द, सी यू वेरी सून विद द सेम टॉपिक टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो डियर, टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।